नमस्कार, मैं तरुणा चौधरी सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद की अध्यापिका हूँ। आज मैं क्लास सिक्स का संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं तीसरा पाठ। पाठ का नाम है अहम त्वम। अहम का अर्थ होता है मैं और त्वम का अर्थ होता है तुम। यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इस पाठ में हम अहम और त्वम का प्रयोग देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। इसका अर्थ यह है कि जब हम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो जिस शब्द के अंत में अ आता है वे शब्द पुल्लिंग के कहलाते हैं। और आकारांत का अर्थ यह है वर्ण विच्छेद करने पर जिसके अंत में आ आता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। क्रियापद लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। आज हम वर्तमान काल का प्रयोग सीखेंगे। मध्यम पुरुष एकवचन। मध्यम पुरुष का मतलब है कि त्वम जो है मध्यम पुरुष है। हम सभी जानते हैं सर्वनाम में जो पुरुषवाचक होता है वह तीन प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आज हम मध्यम पुरुष एकवचन और उत्तम पुरुष एकवचन के विषय में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष एकवचन की पहचान होती है सी। जैसे हम लिखते हैं त्वम पठ सी, तो ये सी जो आया ये मध्यम पुरुष एक वचन में ही केवल प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ लिखा नहीं है अहम, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग भी यहाँ देखेंगे। तो अहम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलें अहम पठामी, तो आमी हमेशा अहम के साथ आता है। इसके बाद है अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, जिनका प्रयोग सदैव इसी रूप में होता है। लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिनका रूप नहीं बदलता वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कुत्र, तत्र, आम, अपि पढ़ेंगे। कुत्र का मतलब कहाँ, अत्र का अर्थ वहाँ, आम का मतलब हाँ, अपि का मतलब भी। पाठ पढ़ने से पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे जिससे पाठ पढ़ने में सरलता हो। अब हम शब्दों के अर्थ हिंदी में सीखेंगे। अहम मैं, पठामी पढ़ता पढ़ती हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि ये पढ़ता पढ़ती हूँ क्यों आया। संस्कृत में जो लिंग की पहचान होती है वह कर्ता से होती है, जबकि हिंदी में हम लिंग को क्रिया से पहचानते हैं। तो जो क्रिया है संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक सी आती है। जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझाती हूँ, साहा पठती, तो वहां पर साहा पठती का अर्थ हुआ वह पढ़ता है। सा पठती उसका अर्थ हुआ वह पढ़ती है। तो हमने
कैसे पहचाना? पढ़ती से नहीं, अपितु हमने पहचाना साहा और सा से। विसर्ग वाला साहा पुल्लिंग है, इसलिए हमने उस वाक्य में पढ़ता है बोला, और इस सा आ की मात्रा वाला स्त्रीलिंग है, इसलिए उसमें हमने पढ़ती हूँ बोला। तो इस प्रकार यह क्रिया दोनों लिंगों में प्रयोग में आती है, इसलिए पढ़ता है, पढ़ती हूँ होता है। किम, क्या, त्वम, तुम, पठसी, पढ़ते हो, लिखामि, लिखता, लिखती हूँ, विद्यालयम्, विद्यालय को, गच्छामि, जाता, जाती हूँ, कुत्र, कहाँ, गच्छसि, जाते, जाती हो, अपि, भी, तत्र, वहाँ, मम, मेरा, नाम, नाम, राधा, लड़की का नाम, तव, तुम्हारा, अस्ति, है, करोषि, करते, करती हो, गृहम, घर को, निवससि, निवास, करते, करती हो, रमेशः, लड़के का नाम, खेलती, खेलता, खेलती है, खेलसी, खेलते, खेलती हो, आम, हाँ, खेलामि, खेलता, खेलती हूँ, खादती, खाता, खाती हूँ, खादसी, खाते, खाती हो, खादामि, खाता, खाती हूँ, पिबामि, पीता, पीती हूँ, लिखसी, लिखते, लिखती हो, पत्रम, चिट्ठी, संस्कृतम, संस्कृत। अब हमने शब्दार्थ पढ़ लिए, अब हम पाठ को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। अहम पठामि, अहम का अर्थ हुआ मैं, पठामि का अर्थ पढ़ता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं अहम के साथ आया आमि, जो कि मैंने पाठ के आरंभ में ही आपको बताया था कि अहम के साथ आमि का प्रयोग करते हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। किम, त्वम, न पठसि, किम, क्या, त्वम, तुम, न नहीं, पठसि, पढ़ते हो, क्या, तुम नहीं पढ़ते हो। यहाँ आपने देखा त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, अहम न पठामि, नहीं, नहीं, अहम, मैं, न, नहीं, पठामि, पढ़ता हूँ, नहीं, मैं, नहीं, पढ़ता हूँ। फिर आपने देखा अहम के साथ क्या आया, आमि। तो इस पाठ में आपको यही दो चीजें याद रखनी है, क्या, अहम के साथ आमि, और त्वम के साथ सी। अब हम अगला वाक्य देखेंगे। अहम लिखामि, अहम, मैं, लिखामि, लिखता हूँ। फिर देखा आमि। तो सभी क्रियाओं में, सभी धातुओं में हमने देखा अहम के साथ आमि और त्वम के साथ सी का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन में आमि, मध्यम पुरुष एक वचन में
सी अहम विद्यालयम गच्छामि अहम मैं विद्यालयम विद्यालय को गच्छामि जाता हूँ मैं विद्यालय को जाता हूँ फिर देखा अहम के साथ आमि त्वाम कुत्र गच्छसि त्वाम तुम कुत्र कहाँ गच्छसि जाते हो तुम कहाँ जाते हो प्रत्येक वाक्य में आप ध्यान दे रहे हैं कि त्वम के साथ सी और अहम के साथ आमी का प्रयोग हो रहा है अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अहम मैं अपि भी विद्यालयम विद्यालय को गच्छामि जाता हूँ तो पहचान लिया ना आपने अहम के साथ आमि गच्छामि मैं भी विद्यालय को जाता हूँ अहम मैं अपि भी विद्यालयम विद्यालय को गच्छामि जाता हूँ मैं भी विद्यालय को जाता हूँ अहम तत्र पठामि लिखामि च अहम मैं तत्र वहाँ पठामि पढ़ता हूँ लिखामि लिखता हूँ च और यहाँ विशेष बात ध्यान देने की है कि हिंदी में हम अंतिम वाक्य से अंतिम शब्द से पहले और लिखते हैं लेकिन संस्कृत में हम अंत में और यानी कि च लिखते हैं तो इस वाक्य का अर्थ हुआ अहम मैं तत्र वहां पढ़ता हूँ और लिखता हूँ तो मैं वहां पढ़ता हूँ और लिखता हूँ मम नाम राधा मेरा मम मेरा नाम नाम राधा राधा है मेरा नाम राधा है अहम पठामि अहम मैं पठामि पढ़ती हूँ तो यहाँ पर हमने देखा स्त्रीलिंग शब्द है स्त्रीलिंग का वाक्य है फिर भी पठामि ही आया मैं पढ़ती हूँ तव नाम किम अस्ति तव तुम्हारा नाम नाम किम क्या अस्ति है तुम्हारा नाम क्या है मम नाम विवेक मम मेरा नाम नाम विवेक विवेक है मेरा नाम विवेक है त्वाम किम करोषि त्वाम तुम किम क्या करोषि करते हो तुम क्या करते हो क्रि धातु के रूप थोड़े अलग तरह से चलते हैं तो उसमें सी की जगह शी का प्रयोग होता है त्वम किम करोषि तुम क्या करते हो अहम अपि पठामि अहम मैं
अपि भी पठामि, पढ़ता हूँ आमी। तो सब जगह देखा अहम के साथ आमी आ रहा है और त्वम के साथ सी आ रहा है। मैं भी पढ़ता हूँ। अहम गच्छामि, अहम मैं गच्छामि, जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुल्लिंग वाक्य है, फिर भी कोई इसमें अंतर नहीं पड़ रहा। हिंदी में होता तो मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ होता है, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं होता। हमें वाक्य को वो पढ़ते पढ़ते ही पहचान होती है या चित्र से पहचान पाते हैं ये पुल्लिंग का वाक्य है या स्त्रीलिंग का वाक्य है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम मैं विद्यालयम विद्यालय को गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूँ। अहम तत्र पठामि, अहम मैं तत्र वहाँ पठामि, पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। त्वम गच्छसि, तुम गच्छसि जाते हो, तुम जाते हो। त्वम गृहम गच्छसि, त्वम तुम गृहम घर गच्छसि जाते हो। अब देख रहे हैं त्वम में सबके साथ सी का प्रयोग हो रहा है। त्वम तत्र निवससि, त्वम तुम, तत्र वहाँ, निवससि निवास करते हो, तुम वहाँ निवास करते हो। निवास करते हो को रहते हो भी कह सकते हैं। रमेशः खेलति, ती। यह जो वाक्य आया यह प्रथम पुरुष एकवचन का है जो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर ती का प्रयोग होता है प्रथम पुरुष एकवचन में। तो रमेशः, रमेश खेलती खेलता है। किम त्वम खेलसि, किम क्या, त्वम तुम खेलसि खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। आम अहम खेलामि, आम हाँ अहम मैं खेलामि खेलता हूँ। तो इन तीनों वाक्यों में हमने एक वचन का रूप देखा, कौन सा, रमेशः खेलती में प्रथम पुरुष एकवचन, किम त्वम खेलसी में मध्यम पुरुष एकवचन, अहम खेलामि में उत्तम पुरुष एकवचन। तो हम पहचानेंगे प्रथम पुरुष में आता है ती, मध्यम पुरुष एकवचन में आता है सी, और उत्तम पुरुष एकवचन में आता है आमी। सुधा खादती, सुधा खाती है। यह वाक्य भी प्रथम पुरुष एकवचन का है, इसलिए इसमें ती का प्रयोग किया गया। किम त्वम खादसि, किम क्या, त्वम तुम खादसि खाती हो। यहाँ पर हमने फिर देखा
कि वहां पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है। सर्वनाम में संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान हम केवल चित्र से कर सकते हैं, ठीक है, क्रिया से नहीं कर सकते। तो यहां पर त्वम आया मध्यम पुरुष एकवचन, इसलिए आया सी। क्या तुम खाती हो? आम, अहम, खादामि, पिबामि च। हां, अहम, मैं, खादामि, खाती हूं, च, और पिबामि, पीती हूं। हां, मैं खाती और पीती हूं। यह मैंने पहले ही बता दिया था कि संस्कृत में च अंत में लिखते हैं, जबकि हिंदी में और को बीच में लिखा जाता है। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम में एक सा ही होता है, केवल चित्र से हम लिंग पहचान पाते हैं। त्वम किम लिखसी? त्वम तुम, किम क्या, लिखसी लिखते हो, तुम क्या लिखते हो। अहम पत्रम लिखामि, अहम मैं पत्रम पत्र को, लिखामि लिखता हूँ, मैं पत्र को लिखता हूँ। अहम संस्कृतम पठामि, अहम मैं संस्कृतम संस्कृत को, पठामि पढ़ता हूँ। फिर देख लिया अहम के साथ आमि। त्वम किम पठसी? त्वम तुम किम क्या पठसी पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। अहम अपि संस्कृतम पठामि, अहम मैं अपि भी संस्कृतम संस्कृत को, पठामि पढ़ता हूँ, मैं भी संस्कृत को पढ़ता हूँ। तो हमारा पाठ पूरा हो गया, हमने पाठ का अनुवाद देख लिया। तो इसमें हमने मुख्य रूप से सीखा कि अहम के साथ आमि का प्रयोग और त्वम के साथ सी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसमें लिंग से कोई अंतर नहीं पड़ता। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। कोष्टक स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पाठ पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अहम के साथ आमि और त्वम के साथ सी का प्रयोग करना है। तो यह कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करेंगे, मैं एक बार आपको करने का तरीका बता रही हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि, गम धातु है। गम धातु के रूप जो चलते हैं वो गच्छ के तरह चलते हैं। जब इसके साथ क्रिया लग जाती है, धातु लगती है, तो ये जो है गच्छ बन जाता है। तो अहम के साथ आमि आया, इसलिए बन गया गच्छामि। त्वम पुस्तकम पठ, अब स्वयं बताएंगे पठ के साथ क्या आएगा। यहां पर है त्वम, तो क्या आएगा, सी। त्वम पुस्तकम पठ सी। फिर है अहम पत्रम लिख, तो लिख यानी कि अहम है, तो यहां पर आएगा
लिखामि अहम पत्रम लिखामि त्वम दुग्धम पा पा का भी गम की तरह ही रूप परिवर्तन हो जाता है पिब किसकी तरह चलते हैं रूप पिब त्वम दुग्धम पिबसी क्या बनेगा पिबसी अहम क्रिकेटम खेल अहम के साथ आमी आएगा तो अहम क्रिकेटम खेलामी मैं क्रिकेट खेलता हूँ त्वम फलम खाद त्वम के साथ सी तो त्वम फलम खादसी अब एक बार हम फिर से देख लेंगे त्वम पुस्तकम पठसी अहम पत्रम लिखामी त्वम दुग्धम पिबसी अहम क्रिकेटम खेलामी त्वम फलम खादसी अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे शुद्ध पद को लिखिए तो अब इतना तो आप पहचानने ही लगे हैं कि अहम के साथ आमी और त्वम के साथ सी लगाना है तो यही बात को यहाँ हमें ठीक करके लिखना है जैसे पहला वाक्य है अहम गृहम गच्छसि तो अहम के साथ क्या आता है बिल्कुल सही आमी तो यहाँ आएगा अहम गृहम गच्छामि यह भी आप स्वयं कर पाएंगे त्वम विद्यालयम गच्छामि यह क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर लगा है आमी तो यहाँ क्या आना चाहिए उसके स्थान पर सी तो क्या वाक्य बनेगा त्वम विद्यालयम गच्छसि इस प्रकार यहाँ पर आप सही वाक्य लिखेंगे कॉपी में गलत वाक्य नहीं लिखेंगे केवल सही वाक्य लिखेंगे त्वम विद्यालयम गच्छसि अब अहम पठती तो यहाँ क्या गलती है यहाँ पर टी लगा हुआ है तो यहाँ क्या आना चाहिए था आमी अहम पठामी अहम पठामी अब त्वम पठामी तो यहाँ क्या गलत है आमी नहीं होना चाहिए था त्वम के साथ क्या आता है सी तो यहाँ पर होना चाहिए था त्वम पठसि तो सही वाक्य बना हमारा त्वम पठसि अहम खादसि तो यहाँ क्या गलत हो गया सी यहाँ पर सी नहीं आना था क्या आना था यस आमी अहम खादामि तो सही वाक्य बना अहम खादामी मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ जिससे आप सही सही लिख पाए स्वयं लिखेंगे सही वाक्य बोल रही हूँ और सही वाक्य लिखेंगे क त्वम विद्यालयम गच्छसि ख अहम पठामी ग त्वम पठसि घ अहम खादामी ठीक है आशा है आप सही वाक्य लिख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ चित्रों का मिलान है तो यहाँ पर आपने देखना है क्या है प्रयास करेंगे बनाने का अहम विद्यालयम गच्छामि मैं विद्यालय जाता हूँ तो यह वाला आया फिर है त्वम गृहम गच्छसि तुम घर जाते हो तो यह चित्र है यहाँ पर अहम आपणम गच्छामि तो यह वाला चित्र है मैं बाजार जाता हूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे
तीसरा वाला त्वाम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, तो यहां पर आया घ। फिर है अहम लिखामि, मैं लिखता हूं, तो ये यहां पर आ गया ड वाला। माउस से लिखना कठिन होता है, फिर भी प्रयास किया है। अब हम प्रश्न चार करेंगे। उचित शब्द को उचित स्तंभ में लिखिए। तो शब्द हैं खेलसी, गच्छामि, लिखसी, पठामि, वदसी, पश्यामि, हसामि, पचसी, पिबामि और हससी। अहम, अहम के स्तंभ के नीचे आएंगे आमी वाले। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि अहम के साथ आमी आता है, तो ऐसा आप अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। आमी वाले अहम के नीचे लिखेंगे। और त्वम के आगे नीचे हम सी वाले लिखेंगे। तो अब पढ़ेंगे खेल सी। सी वाला है इसलिए किस में आएगा, त्वम के नीचे। गच्छामी आमी वाला है इसलिए आएगा अहम के नीचे। लिख सी सी वाला है इसलिए आएगा त्वम के नीचे। पठामी आमी वाला है इसलिए आएगा अहम के नीचे। वदसी सी वाला है इसलिए आएगा त्वम के नीचे। पश्यामि आमी वाला अहम के नीचे। हसामि फिर आमी वाला है अहम के नीचे। पचसी सी वाला है त्वम के नीचे। पिबामि आमी वाला है अहम के नीचे। और हससी सी वाला है त्वम के नीचे आएगा। अब हम एक बार देख लेंगे अहम के नीचे हमें कौन से शब्द लिखने हैं। गच्छामि, पठामि, पश्यामि, हसामि और पिबामि अहम के नीचे लिखने हैं। खेलसी, लिखसी, वदसी, पचसी और हससी त्वम के नीचे लिखने हैं। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। क, त्वम कुत्र गच्छसी, तुम कहाँ जाते हो। इसका हमने उत्तर देखा था पाठ में कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अहम विद्यालयम गच्छामि। क्या लिखेंगे, अहम विद्यालयम गच्छामि। ख, त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। इसका उत्तर है अहम अपि पठामि, अहम अपि पठामि। ग, त्वम किम लिखसि, इसका उत्तर है अहम पत्रम लिखामि। ग का उत्तर है अहम पत्रम लिखामि। घ, त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। इसका उत्तर है अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम पठामि। ळ, किम त्वम खादसि,
क्या तुम खाती हो? इसका उत्तर है अहम खादामि पिबामि च। अहम खादामि पिबामि च। आशा है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद, रेखांकित शब्दार्थ और पूरा अभ्यास अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद उसको गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। प्रश्नों के उत्तर ना समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और एक कार्य विशेष रूप से करना है, पूरे पाठ की वीडियो को YouTube पर देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है, अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना है, जिससे हमें पता चले कि बच्चों ने पूरा पाठ पढ़ा है। यही है ऑनलाइन टीचिंग, तो यह कार्य अवश्य करना है। धन्यवाद।